शेख, मेरा ये सवाल शेख मेरा ये सवाल है कि जैसे आजकल के हालात ठीक नहीं है, तो जैसे हम ट्रेन में हम कहीं जाते हैं और मतलब ज्यादा लंबा रास्ता है, 13-14 घंटे का रास्ता है, तो उस दरमियान अगर हमारी मतलब मगरिब इशा और फजर की नमाज अगर छूट जाए, तो फिर हम इनको मतलब कैसे अदा करें? मतलब हम सफर पे नहीं जा रहे, और जैसे हम अपने माँ बाप से मिलने जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो मतलब फजर के बाद हम पहुंचे वहां पर, तो इन नमाजों को कैसे हम मतलब कजा करें, ये वाजे कर दीजिए। देखिए, अगर आप प्राइवेट गाड़ी से सफर कर रही हैं तब तो कोई मसला ही नहीं है कि हर नमाज के टाइम आप गाड़ी रोक रोक के नमाज पढ़ सकते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में हैं, तो हालात इतने खराब नहीं है जैसा बताया जाता है कि नमाज नहीं पढ़ सकते। आखिर में हम लोग भी तो इसी मुआशरे में जीते हैं, हमें भी इतना इल्म है। तो इतने खराब नहीं है हालात कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर फर्ज करें, हालांकि ऐसा है नहीं, अगर फर्ज करें कि आपको कोई मना कर रहा है या आप पढ़ेंगे तो आपको आपको तकलीफ पहुंचा दी जाएगी, अगर ऐसी सूरत हाल है तो मत पढ़िए। ऐसी सूरत हाल में जब आपके आपको तकलीफ पहुंचाए जाने का खतरा है तो आप मोखर कर लीजिए, क्योंकि उज्र की हालत में नमाज को मौखर किया जा सकता है। जैसे कोई आदमी सो गया, माजूर है, तो अब उसको नहीं कहा जाएगा कि उसने नमाज छोड़ दिया। तो जब आपके साथ उजरे काहिर है, ऐसा मजबूरी वाली हालत है, तब तो कर सकते हैं। लेकिन सही बात यह है कि ऐसी मजबूरी है नहीं, ऐसी मजबूरी है नहीं। आप नमाज पढ़ सकते हैं, अपनी सीट पर बैठ करके आप नमाज पढ़ सकते हैं। अगर बैठने और सजदा वगैरह करने की गुंजाइश नहीं है तो ऐसी सूरत में आप इशारे से पढ़ सकते हैं। जिस तरह से भी आप इस्तेआत रखते हैं उस तरह नमाज पढ़ सकते हैं। शेख तो दरअसल लिहाजा लिहाजा ये जी सवाल बनता ही नहीं है कि नमाज छोड़ दिए तो बाद में क्या करेंगे। नमाज को पढ़ना है, अगर मजबूरी है हकीकत में, जो कि है नहीं मेरे इल्म की हद तक, तो ऐसी सूरत में जाहिर है जब जब भी आपकी वो मजबूरी खत्म होगी तब आप पढ़ लेंगे जितनी नमाजें छूटी हैं। तो शेख उसे मतलब तरतीब से पढ़ना होगा, मतलब मगरिब इशा जी, और फजर। तरतीब, बिल्कुल तरतीब से ही पढ़ना, तरतीब से ही पढ़ना होगा। जी अच्छा जी शेख, मुख्तसर में ये जज़ाकअल्लाह। भी बता दें, क्या वो कसर पढ़ेंगे या मुकम्मल पढ़ेंगे पूरे को? अगर सफर में पढ़ रहे हैं तो आप उसको कसर के साथ पढ़ेंगी। जैसे ऐशा की नमाज है, उसको 2 रकात पढ़ेंगी। मगरिब की नमाज में तो कसर नहीं है, वो 3 रकात ही पढ़ेंगे। फजर की नमाज में भी कसर नहीं है, उसको 2 ही रकात पढ़ेंगे अगर सफर में है तो। लेकिन अगर सफर से आप घर पहुंच गए हैं, अपने मंजिल पर पहुंच गए हैं, तब फिर वहां पर कसर नहीं करेंगे, क्योंकि जो उज्र था वो उज्र खत्म हो चुका है।